सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। आप देख सकते हो इसी स्टेज पे बाबा का आज कथा होने वाला है। भाई यहाँ पे भीड़ देखो, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार। मतलब बयान नहीं कर सकते भाई, ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर आके। और यहाँ तक आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पे बैठी हुई है बाबा का अर्जी लगाने के लिए बाबा के पास में। और ये पूरा स्टेज आप सामने देख सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे, और यही वो एरिया है जहाँ पे आज हनुमंत कथा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पटना में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगा है। सो पहले लगने वाला था गांधी मैदान में, लेकिन अब जो है वो नौबतपुर में हो गया है। तो आप पटना जंक्शन से नौबतपुर कैसे पहुंचोगे, आज पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी मैं देख सकते हो कि मैं हनुमान मंदिर के जस्ट नीचे हूं। आप सामने हनुमान मंदिर देख सकते हो, और यहां से चलने वाले हम लोग बाबा बागेश्वर धाम का जहाँ पर लगा है दरबार वहाँ पर। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, जिसमें आपको कम्प्लीट जानकारी मिलेगी कि कैसे आप लोग पहुँच सकते हो। ओके फिर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। हम लोग चलने वाले हैं हनुमान मंदिर से, यानी कि पटना जंक्शन से। आप हमारे पीछे देख सकते हो पटना जंक्शन। ये देखो फ्रेंड्स, सामने आप हनुमान मंदिर देख सकते हो, और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है नौबतपुर के लिए। फ्रेंड्स, आपको पटना जंक्शन से महावीर मंदिर के साइड में, यानी कि इस तरफ मुड़ जाना है, और यहाँ से चले जाना है आपको गोलंबर के पास में। ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, इस तरफ हम लोग को जाना है। देखो फ्रेंड्स, मैं इसी गोलंबर की बात कर रहा था। सो गोलंबर के अपोजिट साइड में मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे, वहाँ पे आपको जाना है। और अगर आप डायरेक्ट ऑटो लेना चाहते हो ना जंक्शन से, तो ले सकते हो, बट वो आपसे ज़्यादा पैसा जो है चार्ज करेगा, 70 या 60 रुपीज़ चार्ज कर देगा। बट बस से आपको उतना नहीं लगेगा, मैं आपको बताता हूँ कितना लगेगा, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे। सो रेट मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ 60-70 रुपये ज़्यादा है। हनुमंत कथा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी, भाई बोर्ड तो यहाँ पे लगा है, और हमें गोलंबर से इस तरफ मुड़ जाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसी बस से आपको यहाँ पे आना है, 222 नंबर, ये देखो। सो हमने बस ले लिया एक मिनट, और यहाँ से हमारी बस खुल गई है, और करीब यहाँ से आपको 15 से 20 मिनट में आपको एम्स तक पहुँचा देगी ये बस। सीधा जाकर एम्स पे छोड़ेगी, और ये देख सकते हो आप कैंसर संस्थान होकर ये बस आगे निकलती है, महावीर कैंसर संस्थान, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से आप एम्स देख, ये देखो सामने है एम्स रहा, और यहाँ पे ही हमें उतर जाना है, बट थोड़ा सा आगे पे। जैसा ही आप पहुँचोगे ना, आपको हर तरफ बोर्ड देखने को मिल जाएगा, श्री हनुमंत कथा। और ये देख सकते हो भाई, पाली इस जगह का नाम है। तो यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, और फ्री बस सेवा भी है। सो वो चीज़ें होगी कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि यहाँ से ऑटो क्या चार्ज करता है। हालांकि ये बस वाला 20 रुपीज़ लिया है मुझे गया जंक्शन से, गया जंक्शन बोल रहा हूँ, पटना जंक्शन से यहाँ लाने का। और ये देखो भाई सामने। सो फ्रेंड्स, अब हमने ऑटो कर लिया यहाँ पर से, 20 रुपीज़ शेयरिंग ऑटो है, जो कि हमें सीधे लेकर जाएगी नौबतपुर पाली, जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। और सामने आप देख सकते हो भाई, इसी रोड से मैं आया हूँ, और ये देख सकते हो भाई, बड़ा बड़ा कैंपस टेंट टाइप लगाया हुआ, जहाँ पे आज होने वाला प्रोग्राम। और ये मैं आ गया नहर वाले मेन रोड पे, और आप सामने यहाँ से ही भीड़ देख सकते हो भाई। ये देखो चारों तरफ क्राउड, भाई क्राउड का तो कहना ही नहीं है, इतने लोग दीवाने हैं बाबा जी के। और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप्स भी लगे हुए, छोटे मोटे दुकान, मतलब। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आज कथा होने वाला है, इस पोर्शन में रोड के दाएं तरफ में कथा होने वाला है, और इस बाएं तरफ में हनुमान जी का जो मूर्ति लगा है बेस फुट का, वो चीज़ लगी हुई है। सो आप देख सकते हो ये सब दोस्तों, और आगे का सारी बात जो है मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा, अगले पार्ट में। और सामने देख सकते हो 20 फुट वाले हनुमान जी का मूर्ति। ये देखो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे, और यही वो एरिया है जहाँ पे आज हनुमंत कथा होने वाला है भाई, उस पोर्शन में, उस साइड में, रोड के उस साइड में। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और आगे का ये पूरा एक्सप्लोर करता हूँ अगले पार्ट में। फ़िलहाल इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ओके, सो ये देख सकते हो आप लोग भाई, कितनी ज़्यादा क्राउड हो रखी है अभी। और अभी कथा शुरू होने में करीब 6-7 घंटे देर है फिर भी। सो चलो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जिसका इंतज़ार था, और जिसके लिए हम गया से चलकर यहां तक पहुंचे हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये वो स्पॉट है जहां पे आज बाबा जी आ रहे हैं, और हनुमंत कथा जो है, और देखते हैं किसकी किसकी अर्जी लगती है आज। और ये जो आप रूट देख रहे हो ना, इसी से मैं आया हूँ। सो ये वीडियो प्रॉपरली बनाया था मैं इसलिए, ताकि पटना से जो लोग भी आ रहे हैं, या फिर कहीं से भी आ रहे हो पटना जंक्शन से, अगर उनको यहाँ तक आना है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक हिंट्स हो जाएगा, गाइड हो जाएगा।
सो आप लोग, मैं एक बार फिर से रिव्यू मतलब रिपीट कर दे रहा हूँ कि जंक्शन से आपको क्या करना है कि गोलंबर के पास चला जाना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे ही बढ़ के है, वहाँ से आपको 222 नंबर बस लेनी है जो कि आपको सीधे छोड़ेगा एम्स, और एम्स से आपको बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा लगातार गोलंबर के पास से, जो कि आपको 20 या 30 रुपये लेगी, मतलब अलग अलग है, और वहाँ से आप सीधे पहुँच सकते हो इस जगह पे। और आप पीछे देख सकते हो इसी जगह पे जो है कथा होने वाला है, और इधर पीछे में अन्नपूर्णा प्रसाद का वितरण होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। ओके, फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल करना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन। बाय एंड टेक केयर। जल्द मिलते हैं कुछ देर के बाद, इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं।